फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। अभी आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है जॉब्स की रिक्वायरमेंट पे। अभी क्या है, जनरली जॉब्स की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास डेली आती रहती हैं, लेकिन क्या है, स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर हम आपके यहाँ पे सीएनसी की ट्रेनिंग तो कर लेंगे, क्या हमारी 100% जॉब रहेगी, क्या ये ट्रेनिंग करने के बाद हमारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास डेली आती ही है, ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना, यूट्यूब पर डालना, वो थोड़ा टिपिकल सा काम हो जाता है क्योंकि सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर भी अभी क्या है, आज मेरे पास 5 से 6 इंडस्ट्री से जॉब की रिक्वायरमेंट आ रखी थी। ठीक है, सो मैंने सोचा कि वो मैं आपको बता दूँ, जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको सीएनसी के प्रैक्टिकल नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो, तो वो चाहे तो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती हैं, हमारे पास इंडिया से भी आती हैं और अभी एट प्रेजेंट एक आउट ऑफ इंडिया से भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले ये राजस्थान के अजमेर में है एक प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री है जिसका नाम है श्री भगवती मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये है अजमेर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके, तो इनको सीएनसी ऑपरेटर चाहिए जिसको फुली प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए सीएनसी टर्निंग में। इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जी कोड और एम कोड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट, और फेसिंग, टर्निंग, ग्रोविंग, थ्रेडिंग और नर्लिंग ये ऑपरेशन आने चाहिए, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक 1A कैलिपर है और माइक्रोमीटर है, राइट। और उसके बाद है कि फानू का कंट्रोल आना चाहिए, राइट, ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए और इंडिपेंडेंटली मशीन को ऑपरेट कर सके, ऐसे इनको सीएनसी में ऑपरेटर चाहिए। इनको जो सीएनसी में ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर चाहिए ये 4 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो किसी को भी इनका कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए हो तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, एक इंडस्ट्री है पार्ले एलिजाबेक टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है अहमदाबाद के साणंद GIDC में। ठीक है, इनके पास क्या है, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, सो मैं आपको बताता हूँ। इनको मशीन ऑपरेटर चाहिए HMC में, राइट, और फिर मशीन ऑपरेटर चाहिए सरफेस ग्राइंडर मशीन में, और उसके बाद क्या है, CNC के लिए ऑपरेटर चाहिए इनको 3 पर्सन चाहिए और 3 VMC के ऑपरेटर चाहिए, राइट। तो कोई भी अगर इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये हर्षा इंजीनियरिंग है अहमदाबाद में, ये इंडस्ट्री और इनकी 3 से 4 ब्रांचेज हैं, इनको 15 CNC ऑपरेटर चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है ये, यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी हैं, राइट, जो जॉब करने का इच्छुक हो तो इसके बारे में जो भी डिटेल चाहिए हो तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरब से, यहाँ पे क्या है, इनको 3 CNC ऑपरेटर चाहिए। इनके यहाँ पे क्या है, जो रबर सील्स होती हैं, हाई परफॉर्मेंस रबर सील्स इनके वहाँ पे बनती हैं, मीन्स रबर की टर्निंग्स होती है इनके यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनके यहाँ पे भी जो कंट्रोलर है वो फानुक का है, इन्होंने हमें कॉल किया है, वो इस इंडस्ट्री में 20 ईयर से जॉब कर रहे हैं। सो जिसको भी सऊदी अरब जाना हो तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो भी पूरी डिटेल चाहिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इंडस्ट्री का एड्रेस, इंडस्ट्री की वेबसाइट, वो मैं सब आपको शेयर कर सकता हूँ, राइट। बस इतना ट्राई करना कि अगर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज है या 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस चीज़ में जाओ तो अच्छा है। ओके, सो अभी मेरा वीडियो बनाने का मेन थीम यही था कि आपका मैं डाउट क्लियर कर सकूं। जिसको भी इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई करना हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो बाकी की चीज़ें हैं लाइक सैलरी कितना रहेगा, टाइम कितना रहेगा, वो सब आप उनसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। ओके, भले आप चाहो तो मेरा रेफरेंस लेके बात कर सकते हो। ठीक है, तो आप में से जो भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरे को सामने से कॉल कर सकता है, मैं उनको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जॉब्स के ऊपर आती रहती हैं, सो आप रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ इस डाउट में मत रहो
कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम वहाँ पे जाएंगे कोर्स करेंगे तो क्या हमारी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो इस डाउट में मत रहो। सबसे पहली बात तो ये है कि अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पे जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट। दूसरी बात ये है कि हम मशीन पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, राइट। जैसे स्टूडेंट्स पता करते हैं ना कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना है, कौन हमें सीएनसी मशीन पे प्रैक्टिकल सिखाएगा, उसी तरह से ही इंडस्ट्रीज भी सर्च करती हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो प्रैक्टिकल सीख के आए, जहां पे मशीन पे वो प्रैक्टिकली काम करके आए। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक टर्निंग, बोरिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, ये सब बच्चे को आने चाहिए, ओके। सो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इंडस्ट्री सामने से ही कॉल करती है, और हमें इंडस्ट्री सामने से कॉल करती है तो उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हमें फुलफिल करनी रहती है, ओके। सो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। और अगर आप हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।